तो डेनिस मॉल के बाहर है और साथ में बीच लगता है, साइकिल लिए और साइकिल चला रहे हैं हम लोग। तो पिछले आधे घंटे से साइकिल चला रहे हैं इस बीच के साथ साथ और व्यू देख रहे हैं, काफ़ी ज़बरदस्त व्यू है। इनका कुछ दिनों में इवेंट होने जा रहा है, जिस तरह से हमारा 23 मार्च का होता है परेड होती है, इस तरह से यहाँ पे इनका भी कोई इवेंट होने जा रहा है अज़रबैजान का, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे जेट्स एयरक्राफ्ट वगैरह उड़ाए जा रहे हैं। तो पीछे हम लोग अभी चाय के लिए रुके हैं, कॉफ़ी पियेंगे यहाँ पर, कॉफ़ी के बाद थोड़ा आगे राउंड लेकर आते हैं, उसके बाद हमारा एक घंटे का टाइम पूरा हो जाएगा, फिर हम ये साइकिल जो है वापस कर। वो अभी कॉफ़ी आ गई है, कॉफ़ी कह रहे हैं, चाय कह रहे हैं इसको, जो कि काफ़ी टेस्टी है, इसको पीते हैं फिर मुलाकात करते हैं। पिछले एक घंटे से साइकिल चला रहे हैं, एक घंटा हमारा पूरा हो गया, बहुत पसीना आ गया और काफी मजा भी है, अभी साइकिल वापस लेने जा रहे हैं। तो जी अभी हमने बोल्ट मंगवा ली है, हैदर अली म्यूजियम जा रहे हैं, हैदर अली म्यूजियम में जाते हैं देखते हैं। तो जी फाइनली हैदर अली म्यूजियम पहुंच गए हैं, तकरीबन आधा घंटा लगा है हमें यहाँ पर आने में, गाड़ी में हम सब सो गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा थके हुए थे, साइकिल चला चला कर हम लोग थक गए थे। वो अभी हैदर अली म्यूजियम पहुँचे हैं, काफ़ी नाइस प्लेस है, काफ़ी अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है यहाँ पर और ज़्यादा लोग नहीं हैं, लिमिटेड लोग हैं, टूरिस्ट मुझे ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा यहाँ पर। तो मेरे पीछे ये बिल्डिंग है, don't want to see you cry, mommy go now, I really wanna brutalize, let him हैदर अली म्यूजियम के अंदर जा रहे हैं हम लोग और मौसम यहाँ का बहुत अच्छा है। सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी कि यहाँ पर हर वक्त ठंड रहती है, हवा चलती रहती है। go, mommy, go now. I really don't want to see you cry. यार अभी एक बैड सीन हो गया है, हमारा यहाँ पर आना फजूल हो गया एक तरह से, क्योंकि इन्होंने हमें कहा है कि एंट्रेंस क्लोज हो गई है, कि शाम के 7 बज गए तो आप लोग कल आना, काफी डिसअपॉइंट हो गया हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, कल आ जाएंगे, अभी है हमारे पास 3 दिन और। गुड मॉर्निंग, सो आज हमारा 6th डे है इस होटल में, वापस आ गए हम लोग और अभी ब्रेकफास्ट जाकर करते हैं, मेरे ख्याल से वही चीजें होंगी सब कुछ, तो ब्रेकफास्ट करते हैं बाद वापस आते हैं, उसके बाद हमने जाने आज एक ट्रिप पर और गबाला हम लोग जा रहे हैं, भी लहिक लेक भी जाए हम लोग, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं उसके बाद फिर मुलाकात करते हैं। खाने में मज़ा नहीं आया बिल्कुल भी, आप लोगों को मैंने रूम नहीं दिखाया होगा कि वापस आकर हम कौन से रूम में स्टे कर रहे हैं, होटल तो सेम है लेकिन रूम भी आपको दिखा देते हैं। और रात में आकर सो गए थे हम लोग, बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है, आज सो कम रहे हैं, घूम ज़्यादा रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी कंडीशन टाइट रहती है। तो ये हमारा रूम है,
इसकी बेस्ट चीज़ ये है कि इसमें बालकनी भी है। तो वापस चलते हैं। ये थोड़ा कचरा किया हुआ है लड़कों ने। और ये मास्टर बेड है इसका। और एक विंडो ये दी हुई है, ये सेम वही विंडो है और वो बालकनी है साथ। तो यार रेडी हो गए, अभी हमारा ड्राइवर भी आ चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं आज गवाला। और सिर्फ आज 5-10 मिनट लेट हुए हैं, बिल्कुल भी दिल नहीं करा जाने का क्योंकि रात में सोए नहीं थे हम लोग। क्या पता अच्छी लोकेशन हो और मज़ा आ। Need 2 minutes without need 1 minute. Cream, okay. 1 minute. तो जी गबाला की तरफ जा रहे हैं, काफ़ी देर से हम लोग देख रहे थे इनको। अभी हम लोगों ने गाड़ी रोकी है यहाँ पर और ये खाने लगे हैं, टेस्ट करते हैं कि ये कैसा है। कैसे है ये वाला पता देखें, और ये जो कोई पत्ते लगे हैं ये देखें। तो ये आगे रास्ता बंद किया हुआ है क्योंकि लैंडस्लाइडिंग हुई भी है आगे। देखो कितना टाइम लगता है इसको खुलने में। तो अभी रुके क्योंकि आगे लैंडस्लाइडिंग हो गई है, वेट कर रहे हैं कब वो रास्ता खोलते हैं। मशीनरी तो लगी हुई है खोलने के लिए, देखते हैं कितना टाइम लगता है। कितना ही जबरदस्त व्यू है ये वाला। वाटरफॉल के लिए काफी ऊपर जाना पड़ेगा। जैसे हमारे पाकिस्तान में वाटरफॉल्स रोड के साथ ही होती हैं, इनके यहाँ ऐसे नहीं है। इनके चल के बहुत ऊपर जाना पड़ता है, उसके बाद आपको वाटरफॉल नजर आती है। थक गया हूँ मैं। वो वहां से आए हम लोग। ओ वाओ, साकिब डर रहा है साकिब।